एलिमिनेशन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। आप सोचेंगे अभी कल तो नॉमिनेशन हुए और एलिमिनेशन इतनी जल्दी कैसे, लेकिन मेकर्स की प्लानिंग क्या है इस हफ्ते की, क्या इस हफ्ते एलिमिनेशन होगा नहीं होगा, वोटिंग लाइन ओपन करके एक बार फिर से एलिमिनेशन नहीं करेंगे। तो जो खबर सेट से आ रही है वो यही कहती है कि मेकर्स इस बार एक नहीं दो सदस्य को निकालने वाले हैं। जी हाँ, दो सदस्यों के बाहर जाने की यानी कि एलिमिनेट होने की खबरें आ रही हैं, एक जनता के वोट के आधार पर और एक हाउस मेट्स के वोट के आधार पर। तो अब एवरी वीक डबल एलिमिनेशन मेकर्स प्लान करेंगे, जो एक जनता के आधार पर किया जाएगा और एक हाउस मेट्स के वोट के आधार पर। खबर यही आ रही है कि इस बार बिग बॉस से पहले ही दावा किया था कि इस बार बिग बॉस भी खेलेंगे, तो वाकई में लगता है कि इस बार बिग बॉस खेल रहे हैं। तो जो सबसे कम योगदान है उसके आधार पर ये लोग हाउस मेट से वोट कराएंगे। तो आप जानते ही हैं कि अंकित के बाद अब मेकर्स का अगला टारगेट सुंबुल होने वाली है। तो क्या हाउस मेट सुंबुल को बाहर कर देंगे, क्योंकि वोट के आधार पर तो वो बाहर जाएगी नहीं। दूसरा, अगर वोट के आधार पर जनता के कहा जाए तो सृजिता और विकास को सबसे कम वोट मिल रहे हैं। फिलहाल जो वोटिंग ट्रेंड सामने आए ओपनिंग, उसमें सृजिता बॉटम में है। तो दो एलिमिनेशन करने की प्लानिंग जो है मेकर्स ने की है। ये काफ़ी सरप्राइज वाली बात है कि जनता के वोट के आधार पर उन्हें ये बात समझ में आ गई कि उनके कुछ ऐसे कॉन्टेस्टेंट हैं जो जनता के वोट के आधार पर कभी बाहर नहीं जाएंगे। योगदान की बात की जाए तो क्या सुंबुल, अंकित, निमृत, स्टैन इन सबको धीरे धीरे हाउस मेट्स के वोट के आधार पर ये लोग बाहर करेंगे, क्योंकि अंकित के साथ जो हुआ है उसके बाद अब ये लोग चार हफ्ते तक यही पैटर्न कंटिन्यू करने वाले हैं। इस तरह की खबरें जो है सेट से आ रही है।